असफलता का एक सीधा सा अर्थ होता है, पूरे मनोयोग से एक तो आपने प्रयास नहीं किया, दूसरी बात आपकी ऊर्जा बिखरी रही। अगर इस ऊर्जा को आप केंद्रित कर सकेंगे तो कोई भी लक्ष्य होगा उसे प्राप्त करने में आप चूकेंगे नहीं। तो तारीख है आज की 20 जनवरी और दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज एक अच्छी खबर के साथ कि उत्तर प्रदेश के जो जूनियर हाई स्कूल है एडेड वाले, उसमें 1894 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और विशेष सचिव शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रधानाध्यापकों के 390 और टीचर्स के कुल 1504 पदों पर भर्ती के लिए जो गाइडलाइन है उसको जारी कर दिया है। और यहाँ पर पहले से ही स्पष्ट ये कर दिया गया कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको जो है परीक्षा में 65% और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रधानाध्यापक और टीचर्स के लिए जो एग्जाम होंगे वो अलग अलग होगी। सबसे बेसिक बात यह है कि आपको 6 to 8 की जो TET है उसको पास आउट करना होगा, उसके बाद ही आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। सहायक अध्यापकों की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, 150 ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग से पेपर आपको देना होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे और ये जो 50 प्रश्न होंगे वो विद्यालय प्रबंधन से संबंधित होंगे। हाँ, प्रधानाध्यापक के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता मांगी गई है। दोनों भर्ती के लिए आवेदन जो होंगे वो अलग अलग लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदन शुल्क अलग अलग आपको देना होगा। पाठ्यक्रम के लिए अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम के संबंध में कोई जानकारी अभी यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पिछली बार जो शिक्षक भर्ती हुई थी नियर अबाउट वही सिलेबस रहेगा, तो आपको वो सारी चीज़ें लेकर चलनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षेप में। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपका जो स्टैटिक GK है जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 to 8 की जो मैथ है वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। हिंदी से भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इसके अलावा बाल मनोविज्ञान यानी कि पेडागॉजी से भी संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, प्रश्नों की संख्या जो है थोड़ी सी डिफर कर सकती है। गाइडलाइन में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का जिक्र नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इसमें रहेंगी। सिर्फ इतना लिखा है कि TET से उच्च स्तर की परीक्षा होगी और प्रधानाध्यापक के पद के लिए विद्यालय प्रबंधन का ज्ञान होना अनिवार्य माना गया है। इसके लिए अलग से 1 घंटे की परीक्षा कराने को कहा गया है। तो परीक्षा कब होगी? तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज ये है कि TET के बाद परीक्षा के आसार हैं। अब TET जो होनी थी पहले होनी थी फरवरी में, फिर कहा गया कि 7 मार्च को, लेकिन अभी तक TET कब होगी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो TET की परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे जूनियर में जो सुपर टेट नाम की परीक्षा होगी, आप लोगों ने ही नाम दिया है सुपर टेट का, इसके बाद ये परीक्षा होगी और कुल मिला के यहाँ पर 1894 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले पदों की संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन अब पदों की संख्या हो गई है नियर अबाउट 2000, ठीक है। और आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। खबर ये है कि मार्च तक 25,000 और भर्तियां की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 19 मार्च को सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होंगे और 4 साल पूरे होने तक हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। 3,75,000 युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, शेष प्रक्रिया में है। CM मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग में 436 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र को वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी होगी, हमारी चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, भर्तियों की प्रक्रिया पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। कहाँ पेपर बन रहा है, कितने सेट बन रहे हैं, सेंटर कहाँ बन रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती, परीक्षा नियंत्रक के पास होती है। जहाँ भी जानकारी लीक होती है वहाँ कठोरतम कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर खाली पदों का जो ब्यौरा है इसमें लेखपाल और अन्य के कुल मिला के 9,000 पद बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 5,300, परिवहन में 10,000 के आसपास, और आवास, PWD और वाणिज्य कर में यानी कि कुल मिला के अभी जो है 28,000 रिक्त पद हैं। कुल मिला के UP SSSC के माध्यम से ही लगभग 50,000 से अधिक भर्तियां इस साल करवाई जाएंगी या की जाएंगी। तो आपको अच्छे से तैयार रहना है और इस साल आपको एक जॉब अपनी सिक्योर करना है। दोस्तों देखो ये चुनावी वर्ष है, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, ये चुनावी वर्ष है तो जो भी बातें कही जा रही हैं वो फलीभूत होंगी। जो भी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है तो वो वैकेंसी फंसेगी नहीं, कोई सारी पूरी होंगी। आपको बस अपनी
बेस्ट एनर्जी के साथ काम करना है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को जारी मार्कशीट में स्केल्ड या नॉन स्केल्ड अंकों का उल्लेख न होने पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं की गई है, इससे मानविकी और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को नुकसान मिला है। तो आयोग पीसीएस 2016 तक मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों का उल्लेख करता था। नॉन स्केल्ड यानी कि मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों को मिले वास्तविक अंक, और स्केल यानी कि स्केलिंग के बाद घटाए या बढ़ाए जाने वाले अंक। ये जो स्केल नॉन स्केल का जो फिनोमेना होता है, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इस पर एक अलग से वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगर इसी में करेंगे डिस्कस तो नियर अबाउट बहुत समय लगेगा। तो बस इतना समझ लो कि ये जो स्केलिंग की प्रक्रिया होती थी ये इसलिए लगाई गई थी कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें अंक बहुत अधिक मिलते हैं और कुछ विषयों में अंक कम मिलते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है मतलब अंक प्राप्त करने के बाद उसमें जो दूरी होती है उसको दूर करने के लिए स्केलिंग जो है अपनाया गया था। फिलहाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्केलिंग जो है वो 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं हुई है, तो यहाँ पर यह बताया गया। और अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका दावा जब मार्कशीट आ गई है तो सही साबित हुआ है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि स्केलिंग के बाद मिलने वाले अंक अमूमन दशमलव में होते हैं, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को दशमलव में अंक नहीं मिले हैं। तो दोस्तों आयोग का दावा अभ्यर्थियों के हित का रखा गया है ध्यान। और यहाँ पर आपको बता दें तो पीसीएस 2018 के तहत मुख्य पदों के अधिकतम न्यूनतम कटऑफ अंक जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर के लिए अनारक्षित श्रेणी के लिए 1014 से लेकर 954 के बीच में ये अंक हैं। एससी वर्ग के लिए है 952 से 892, कुल 1600 अंकों पर ये अंक मैं आपको बता रहा हूँ, 1600 अंकों पर ही पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होता है। एसटी वर्ग के लिए 834 से लेकर 827 और ओबीसी के लिए 971 से 924 के बीच में ये अंक हैं, ये कट ऑफ है। और इसके बाद बात करेंगे जिसको आप डीवाईएसपी कहते हैं, तो डीवाईएसपी के लिए अनारक्षित श्रेणी के लिए 955 से 927 के बीच में, एससी के लिए 884 से 867, एसटी के लिए 819 से 818 और ओबीसी के लिए 921 से 903 के बीच में ये कट ऑफ रखी गई है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, सहायक संभाग की परिवहन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, अधीक्षक कारागार, लेखाधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी इत्यादि के लिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वो बताई गई है। तो ये कट ऑफ है, लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मार्कशीट में स्केल्ड अंक न होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं की गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर ये है कि आरओ 2017 के कट ऑफ अंक भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये जो कट ऑफ अंक है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर जो समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं वो अलग अलग विभागों में होते हैं, सबके लिए जो कट ऑफ अंक होती है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए ये जो कट ऑफ है वो 294 से 278 है, टोटल 400 पर ये जो कट ऑफ होती है जारी होती है। एससी के लिए 285 से 257 है, एसटी के लिए 254 से 241, ये रेंज होती है, ठीक है। जैसे 294 से लेकर 278 के बीच में जो लोग आए हैं उनको मिल गया है समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो लोग समीक्षा अधिकारी बने हैं उनका जो कट ऑफ है वो 283 से 277 के बीच में है जनरल का। ओबीसी का होगा 273 से 272 के बीच में, महिला के लिए 272 ही रखा गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद और आगे चल के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सचिवालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इस प्रकार से जो है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो कट ऑफ अंक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके पास ओ लेबल या समकक्ष आपसे मांगा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इस साल भी आरओ की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, परीक्षा शायद अगस्त में है, कैलेंडर में बताया गया है। और लोक सेवा आयोग भर्ती में लगाया फर्जी प्रमाण पत्र, 4 लोग नामजद हुए हैं। सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो यहां पर देखो अलग अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच अपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कराई गई, जिस पर कुलसचिव की ओर से आख्या दी गई कि महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का विलय अपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो गया है। साथ ही ये भी बताया कि चारों अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत प्रमाण पत्र उक्त संस्थान से जारी नहीं है। तो यहाँ पर देखो मामला ये था कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में चयनित होने वाले फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में पीजीडीसीए का जारी प्रमाण पत्र लगाया है, 2 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है, उसी के संदर्भ में
पीजीडीसी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। जांच के बाद आयोग की ओर से सिविल लाइन थाने में चारों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इसकी जांच अब चल रही है। रिपोर्ट अनुभाग अधिकारी एसपी सिंह की तहरीर पर लिखी गई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों पर चयन के लिए 2015 में भर्ती निकली थी। जुलाई 2020 में पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से पुनः अनिवार्य अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। इस दौरान 4 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनके प्रथम और द्वितीय आवेदन में अनिवार्य कंप्यूटर अर्हता के संबंध में लगाए गए प्रमाण पत्र अलग अलग थे। प्रथम आवेदन में इनकी ओर से पंजीकृत सोसाइटी के कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों से जारी और दूसरे आवेदन में महामाया टेक्निकल इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर से जारी पीजीडीसी प्रमाण पत्र लगाया गया था। अब इन पर FIR हो गई है। और SSC ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर पेपर वन परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। SSC की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। और पेपर टू की परीक्षा 14 फरवरी 2021 को आयोजित होगी। पेपर टू परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का कट ऑफ मार्क भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। SSC की ओर से इस परीक्षा की आंसर की 25 जनवरी को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी इसे 24 फरवरी तक देख पाएंगे। और स्केलिंग मामले में सरकार को जवाब देने के लिए आखिरी मौका मिला है। तो वर्ष 2020 में घोषित PCS परीक्षा परिणाम को अंकों की स्केलिंग के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। इस मामले में राज्य सरकार के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने को आखिरी मौके के रूप में 2 सप्ताह का समय और दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 फरवरी को नियत की है। फैसल अंसारी और अन्य कई अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बावजूद काफी समय से सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो इसके लिए अब समय सीमा निर्धारित हो गई है। 11 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के खिलाफ 14 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे दिव्यांगों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। अब दिव्यांग अभ्यर्थी बुधवार को सामूहिक मुंडन करवाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जिन लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अर्हता प्राप्त की है उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2019। तो 22 दिसंबर 2019 के बाद जिन लोगों ने अपना स्नातक, BTC और CTET उत्तीर्ण किया है उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक का लाभ नहीं मिलने से नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। शासन का मानना है कि भारांक का लाभ देने से जिले की चयन सूची प्रभावित होगी, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग के दौरान सामने आई त्रुटियों के कारण नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों के मामले पर शासन स्तर पर गठित समिति ने रिपोर्ट दे दी है। और स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी BSA को समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप भारत में नई नीति लागू न करे, यहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बाबत जो है मंगलवार को व्हाट्सएप के CEO विल कैटार्थ को कड़े शब्दों में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी व्यक्तिगत संचार की शुचिता को बनाए रखने की आवश्यकता है। वैसे एक सर्वे हुआ है जिसमें यह कहा गया कि 82% जो यूज़र हैं वो व्हाट्सएप छोड़ने को तैयार हैं। और व्हाट्सएप पेमेंट से भी तौबा करना यूज़र, यानी कि मुझे तो नहीं लगता कि अभी किसी ने व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया होगा। और आपको ये भी पता चलना चाहिए कि अब 3 दिग्गज हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और तीनों के बीच में जो युद्ध है वो जारी है। फिलहाल बात यहाँ पर हो रही है व्हाट्सएप के बारे में, इसके बाद टेलीग्राम के बारे में और एक और इसमें ऐप काफ़ी जो है पॉपुलर हो रहा है, सिग्नल। तो इन तीनों में जो टेलीग्राम है ये भी काफ़ी मतलब जितनी भी पायरेसी होती है इसी पर होती है। तो अगर सेफ्टी होना है तो बेटर होगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम को अगर आप छोड़ ही रहे हैं तो सिग्नल पर आइए, ये बेटर होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से आप करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।